देपालपुर इंदौर रोड पर मुरखेड़ा में देवपाल नदी पर बड़ी पुलिया का निर्माण किया गया है, लेकिन निर्माण पूरा होने से पहले ही ठेकेदार द्वारा रोड चालू कर दिया गया। अधूरा निर्माण की वजह से रोजाना पुलिया से उतरते ही दो पहिया वाहन फिसल कर गिर जाते हैं। पुलिया कंप्लीट हो गई है, लेकिन अप्रोच रोड कंप्लीट नहीं हुआ। एक तरफ आधा रोड पर एक तरफ की पट्टी पूरी कर दूसरी पट्टी को अधूरा डांबरीकरण कर छोड़ दिया, वहीं दूसरे हिस्से का अप्रोच रोड बनाया ही नहीं और यहां बड़ी बड़ी गिट्टी डली होने से इंदौर की ओर तेज गति से आते वाहन देपालपुर की ओर उतरते हैं तो बड़ी बड़ी गिट्टी और अधूरा रोड होने से वाहन फिसल रहे हैं और कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। ग्रामीणों के अनुसार ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब 8 से 10 दोपहिया वाहन चालक गिरते न हों। वहीं ठेकेदार द्वारा नई पुलिया से होकर जाने के लिए एरो मार्क भी लगा रखा है, जबकि यहां न सूचना बोर्ड लगा है, न निर्माण एजेंसी लागत व समय कहीं नहीं दर्शाया गया। पुलिया से गांव में जाने वाले रास्ते वाले रोड के टर्न को काफी कम कर सकड़ा हो जाने से रास्तों से आने जाने वाले दोपहिया व चार पहिया वाहनों को मेन रोड पर जाने में काफी सावधानी रखना होगी। यहाँ चुके की हादसा हुआ। बैठमा से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मुरखेड़ा ब्रिज बन रहा है इंदौर रोड पे, उसका जो भी है मार्ग जो है अभी चालू नहीं हो पाया है, ये उसके बाद भी इन लोगों ने चालू कर दिया गया है इसको। इसकी पूरी अभी समस्या दूर हुई नहीं है, उसके बाद इन्होंने समस्या दूर हो जाए उसके बाद इसको चालू करना था, तो अभी डामरकरण पूरा हुआ नहीं है। उसके बाद भी जनता यहाँ मोटरसाइकिल से ये गिर रही है, किसी के हाथ पैर फूट रहा है, किसके क्या फूट रहा है। लेकिन ठेकेदार ने कंप्लेंट नहीं करा, लेकिन उसने वहाँ पे एरो मार कर रास्ता चालू करने का लगा दिया। तो साहब उनने ये देखा नहीं, किसी ने उन्होंने चालू करवा दिया था, वो देखते रुकवा देते हैं के लिए। हाँ, रोज हादसे हो रहा है, यहाँ गिर रहे हैं लोग, गिट्टी पे जा रहे हैं, फटाफट मोटरसाइकिल वाले तो गिर ही रहे हैं, एक दो रोज के गिर ही रहे हैं। ये समस्या है इसकी बहुत ज़्यादा। आपका नाम? अभी सरपंच पूर्व अस्ना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।